नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूँ आपके साथ प्रियांशा लाजवस। आइए नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। छत्तीसगढ़ में झारखंड के राज्यपाल का बड़ा बयान, वहां के राजनीतिक हालात पर रमेश बैस ने कहा कभी भी फूट सकता है एटम बम। छत्तीसगढ़ में डायलिसिस मुफ्त, लेकिन सिर्फ जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों व DKS में फ्री डायलिसिस लागू नहीं। राउत नाचा में जमकर नाचे CM भूपेश, मुख्यमंत्री निवास में मनाया गया गोवर्धन पूजा तिहार। दिल्ली पुलिस के जवान पर कार चढ़ाने वाला ड्रग पेडलर हुआ गिरफ्तार। BCCI का बड़ा फैसला, महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को मिलेगा समान मैच फीस। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को स्वामी प्रसाद मौर्य ने BJP की भी टीम कहा। अमेरिका के पहले पगड़ीधारी सिख पुलिस अफसर की हत्या करने वाले शख्स को सजाए मौत। नयनतारा विघ्नेश को क्लीन चीट, तमिलनाडु सरकार ने कहा नहीं तोड़े सेरोग्रेसी के कानून। जेलेंसकी का दावा, पुतिन ने 400 ईरानी ड्रोन का किया इस्तेमाल। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।